Greetings for the day, dear students. In the chain of my lectures on heterocyclic compounds, this is my second lecture, and today I'll discuss about the five-membered heterocyclic compounds. विषम चक्रीय यौगिकों की श्रृंखला में ये मेरा सेकेंड लेक्चर है और इसमें मैं आपको पांच सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में जानकारी दूंगी. नाउ लेट्स स्टार्ट सिंपल फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. इस सीरीज में तीन मेन यौगिक आते हैं, थायोफिन, फ्यूरेन और पिरोल. जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, थायोफिन में सल्फर एटम विषम एटम के रूप में होता है, फ्यूरेन में ऑक्सीजन हेट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट है और पिरोल में नाइट्रोजन हेट्रो एटम के रूप में उपस्थित है. इनमें जो हम नंबरिंग करते हैं वो हेट्रो एटम को नंबर वन देते हैं और उसके पास वाली पोजीशन या तो जो टू पोजीशन है उसको हम अल्फा बोलेंगे और जो पाँच नंबर पर आएगी उसको हम अल्फा डैश बोलेंगे. इसी प्रकार जो नंबरिंग में थर्ड नंबर पर पोजीशन है उसको हम बीटा बोलेंगे और फोर्थ नंबर वाली पोजीशन को बीटा डैश बोलते हैं. अब रिंग की नंबरिंग करने में हेट्रो एटम को हमने एक नंबर दिया और हेट्रो एटम की निकटवर्ती या जो एडजेसेंट पोजीशन है उनको अल्फा और उसके पास वाली स्थिति को हमने अभी बीटा नामकरण किया. और इस प्रकार यदि हम इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दें तो फिर हमको जो रेडिकल मिलेगा उसका नामकरण हम कैसे करेंगे. यदि वो थायोफिन है तो थायोफिन से बनने वाला रेडिकल क्या कहलाएगा, थीनाइल या थाइनाइल. इसी प्रकार से जो बीटा पोजीशन वाले एटम से यदि स्थिति से यदि हम हाइड्रोजन एटम निकालते हैं उसको हम बीटा थिनाइल या थ्री थिनाइल बोलेंगे. इसी प्रकार से फ्यूरन और पिरोल में भी हम जो उनसे बनने वाले मूलक हैं उनका नामकरण करेंगे. जैसे नीचे वाली रो में आप देख रहे हो कि जो बीटा पोजीशन है वहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया तो जो रेडिकल मिला उसको हम बीटा या थ्री फ्यूराइल बोलेंगे. इसी प्रकार से पिरोल में यदि हम देखते हैं कि अल्फा पोजीशन से यदि हम रिमूव करते हैं तो टू पिराइल और बीटा पोजीशन से जो रेडिकल मिलेगा उसको हम बीटा या थ्री पिराइल बोलेंगे. अब हम देखेंगे कि जो फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनकी विरचन की सामान्य विधियां क्या हैं. व्हाट आर द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. पांच सदस्यों वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए हम 1/4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन करवा दें किसी उपयुक्त हेट्रो एटम वाले किसी सोर्स के साथ. तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं हमने 1/5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड या डाई कीटो फॉर्म को लिया है जो कि किसके साथ साम्य में रहती है, किसके साथ ये साम्यावस्था में रहती है, इनो रूप के साथ. ठीक है, तो कीटो इनॉल फॉर्म दोनों ही एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है या साम्यावस्था में है. तो यदि हम इसकी रिएक्शन अमोनियम कार्बोनेट या अमोनिया के साथ इसको हम हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमको मेन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, पिरोल. इसी के तरीके से अगर हम इसके रिएक्शन P4S7 के साथ हीट करके करवाएं तो क्या होगा, इसमें सल्फर यौगिक है तो हमको थायोफिन का डेरिवेटिव मिलेगा. और यदि हम P4O10 के साथ हीट करवाएं तो क्या होगा, ऑक्सीजन वाला हमने कंपाउंड लिया है, रिएक्टेंट लिया है तो हमको क्या मिलेगा, फ्यूरन का डेरिवेटिव मिलेगा. अब हम इनकी लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या सामान्य लक्षण. ये रंगहीन द्रव होते हैं और फ्यूरन, थायोफिन व पिरोल के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इनके जो क्वथनांक हैं वो क्रमशः क्या है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 84 डिग्री और 131 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं. सबसे हाई इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो पिरोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है. इसका कारण यह है कि पॉसिबली इसमें क्या है कि इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होती है जिसके कारण की एसोसिएशन हो जाता है. ये जब हम इसको पिरोल को पढ़ेंगे तो उसमें हम और इसको डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें इंट्रा मॉलिकुलर या अंतरावयविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. अब बेंजीन की ही तरह से इन यौगिकों में भी हमने जैसे पहले पढ़ा था कि इनमें एरोमेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, एरोमेटिकता के गुण पाए जाते हैं.
इसके कारण क्या होता है कि इनमें जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, एडिशन रिएक्शंस जो हैं, वो बहुत कठिनाई से संपन्न होती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती हैं। दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वेरी इजीली। ये क्या होता है कि इनमें रेजोनेंस होता है या अनुनाद के कारण ये क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, और जो इनकी रेजोनेंस एनर्जी है उसका क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा थायोफिन की रेजोनेंस एनर्जी है, उससे थोड़ी कम पिरोल की और सबसे कम किसकी है, फ्यूरन की है। अब थायोफिन की जो रेजोनेंस या अनुनाद ऊर्जा है उसका मान हाइएस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि सल्फर जो एटम है उसमें डी ऑर्बिटल्स भी होती हैं, क्या होती हैं, उसमें डी कक्षक होती हैं और वो भी अनुनाद में योगदान देती हैं। इसके कारण इनकी जो अनुनादी संरचनाओं की संख्या पिरोल और फ्यूरन में अधिक हो जाती है। द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज मोर इन थायोफिन एज कंपेयर टू पिरोल और फ्यूरन। अब इसमें जो रिंग होती है, फाइव मेंबर रिंग जो है, इसमें हर एक परमाणु sp2 संकरित अवस्था में है। एवरी एटम इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अतः जो रिंग है वो एक कैसी होगी, समतलीय संरचना या प्लेनर स्ट्रक्चर के रूप में होगी, जिसमें 6π इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत अवस्था में रिंग के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन घनत्व के रूप में है। द सिक्स इलेक्ट्रॉन 6π इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड एंड दे आर प्रेजेंट एज अबव एंड बिलो द रिंग एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी कारण से ये यौगिक एडिशन रिएक्शंस बहुत कठिनाई से देते हैं, योगात्मक रिएक्शन कठिनाई से देते हैं। एंड दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वेरी इजीली। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सरलता से दे सकते हैं। अब इन यौगिकों में जो हेट्रो एटम है, जो विषम परमाणु है, वो फिनोलिक ग्रुप या अमीनो ग्रुप की भांति ही रिंग को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। आपने पढ़ा होगा फिनॉल और बेंजीन में जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये रिंग की ओर विस्थापित हो जाता है। इट इज रिलोकलाइज्ड ओवर द रिंग। और जैसे हमने यहाँ उदाहरण में हम देख सकते हैं कि फिनॉल का एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो क्या होगा, रिंग की ओर, रिंग में आ जाता है और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। हम देख रहे हैं कि जो अल्फा पोजीशन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पर आकर जुड़ेगा, अल्फा स्थिति पर, और फिर क्या होगा, हमको फाइनली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर 5-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो जो हेट्रो एटम है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या सल्फर हो, उस पर, उसको हमने यहाँ पर Z से प्रदर्शित कर दिया है हेट्रो एटम को, उस पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिंग में डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, और क्या होगा, जो अल्फा पोजीशन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और फिर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अल्फा स्थिति पर जुड़ेगा, फाइनली उसमें से एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम अलग हो जाएगा और हमको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये यौगिक जो हैं वो बेंजीन की तुलना में बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, दे आर वेरी वेरी मच रिएक्टिव देन बेंजीन। एंड थायोफिन बेंजीन से लगभग 100 गुना अधिक क्रियाशील है, थायोफिन इज 100 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। और फ्यूरन की क्रियाशीलता थायोफिन से अधिक होती है और पिरोल की सबसे अधिक होती है, अर्थात यदि हम इनकी क्रियाशीलता का क्रम देखें, या इफ़ वी सी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, देन बेंजीन इज लीस्ट रिएक्टिव, देन थायोफिन इज कंपेरेटिवली मोर, थायोफिन उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, फ्यूरन उससे ज़्यादा, और पिरोल जो है वो सबसे ज़्यादा है रिएक्टिव है, या हम कह सकते हैं पिरोल इज हाइएस्ट इन इट्स रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू फ्यूरन, थायोफिन और बेंजीन। अब इन यौगिकों में एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमने अभी देखा, और इनकी क्रियाशीलता भी बेंजीन से अधिक है, अतः हम इन यौगिकों को अति एरोमेटिक कहते हैं, या वी कॉल देम सुपर एरोमेटिक कंपाउंड्स। फ्यूरन की क्रियाशीलता पिरोल से कम होने का कारण यह है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो धनावेश है, उसको धारण करने की शक्ति नाइट्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन में कम होती है। थायोफिन में सल्फर एटम के बड़े आकार के कारण इसके द्वारा जो रिंग है उस पर लगने वाला प्लस एम इफेक्ट ऑक्सीजन की तुलना में क्या होगा, कम होगा,
अतः थायोफिन की क्रियाशीलता फ्यूरन से कम होगी। इन यौगिकों की यदि हम अनुनादी संरचनाएं देखें, इफ वी सी देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन अल्फा अर्थात 2 और 5 स्थिति पे, अथवा बीटा या हम कह सकते हैं 3 या 4 स्थिति, दोनों ही स्थितियों पर पॉसिबल है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन अधिकांशतः अल्फा पोजीशन पर ही होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रोफाइल के अल्फा पोजीशन पर जुड़ने से जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा उसकी 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके कारण इसका अधिक स्थायित्व या इसका अधिक स्टेबिलिटी हो जाती है। द मोर वी नो दैट द मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, अर्थात जितनी अधिक अनुनादी संरचनाओं की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा उसके इंटरमीडिएट का स्थायीकरण होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अल्फा पोजीशन है उस पर यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ता है तो उसमें हम देख रहे हैं कि 3 अनुनादी संरचनाएं संभव हैं कार्बोकैटायन की, तो हम कह सकते हैं कि इसका स्थायित्व अधिक हो रहा है। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रोफाइल इनकी बीटा स्थिति पर आकर जुड़ता है तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, जो मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनेगा, उसकी 2 अनुनादी संरचनाएं संभव हैं, अतः इसका स्थायित्व अल्फा वाली पोजीशन वाले कार्बोकैटायन की तुलना में कम होगा। यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं कि केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, तो इसका फिर स्थायित्व कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इससे ये स्पष्ट है कि यौगिक अल्फा सब्स्टिट्यूशन के लिए अधिक तत्पर रहेगा। इट इज़ मोर रेडिली अवेलेबल फॉर द अल्फा सब्स्टिट्यूशन, एंड यदि अल्फा स्थिति खाली नहीं हो, वो रिक्त नहीं हो, उस पर कोई और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो फिर बीटा स्थिति पर प्रतिस्थापन होगा। इफ़ अल्फा पोजीशन इज नॉट अवेलेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन देन द सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस एट व्हाट बीटा पोजीशन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, लेकिन यदि इनकी रिंग में कोई तीव्र इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह उपस्थित हो, कौन कौन से समूह हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे कि NO2, SO3, COOR आदि, तो फिर क्या होगा? जो माइनस एम प्रभाव होगा उसके कारण जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जो अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, उनके कारण यौगिकों का स्थायित्व बढ़ जाता है और फिर क्या होगा? इनकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। यहाँ पर हमने देखा हुआ है कि अल्फा सब्स्टिट्यूशन से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो इंटरमीडिएट बन रहा है, उनका जो स्थायीकरण जो स्टेबिलिटी है उसको हमने दर्शाया है, और बीटा सब्स्टिट्यूशंस के रेजोनेंस से जो उत्पन्न हो रहे हैं उनके स्थायीकरण को या उनकी जो स्टेबिलिटी है उसको हमने सेकंड वाले उदाहरण में दिखाया हुआ है। अतः इसके विपरीत यदि इन यौगिकों में कोई इलेक्ट्रॉन को देने वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल NH2, NR2, OH, OR आदि ग्रुप्स कैसे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाले ग्रुप में ये इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में प्रदान करेंगे, तो फिर इनकी क्रियाशीलता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये यौगिक बहुत ही ज़्यादा अस्थायी हो जाते हैं या अनस्टेबल हो जाते हैं। अतः हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला समूह है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, तो यौगिक अस्थायी होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उपस्थित है, तो यौगिक कैसा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। और यदि कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं होगा तो यौगिक अत्यंत क्रियाशील होगा। इसी कारण से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अत्यंत माइल्ड कंडीशंस में करवानी पड़ती हैं, बहुत मंद परिस्थितियों में संपन्न करवाई जाती हैं। इसके अंतर्गत जो हम अब नेक्स्ट कंपाउंड को पढ़ेंगे, वो सबसे पहले हम पिरोल का अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पिरोल के बारे में डिस्कशन करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।